200 ये देखे आतिफ ने पिजन छोड़ दिए हुए सुबह सुबह। शान भाई आपकी भी सुबह अब हुई है। हाँ यार मैं देर से उठा हूँ अभी सो के, तो यहाँ पर पायलट को भी छोड़ा हुआ, चूजे भी भाई निकाले हुए, आतिफ भाई पिजन सारे निकाले हुए हैं, बस अंडों पर बैठे हुए हैं, तो उनको नहीं निकाला, उनको निकालता हूँ, उनको भी निकालो यार जल्दी से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आतिफ ने पिजन्स निकाल दिए हुए हैं, सभी को दाना भी दे दिया हुआ है। दाना दे दिया है मैंने यार, आज मैं जल्दी उठ नहीं पाया क्योंकि रात को देर से सोया था। तो यार सुबह बहुत ज़्यादा धुंध थी, पता नहीं सर्दियाँ जाते जाते पता नहीं कैसे आ गई धुंध, इतनी ज़्यादा धुंध और स्मॉग यार, इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि उठने को दिल ही नहीं कर रहा था। तो यार केज को देख लेते हैं। तो आतिफ भाई वो वाला बॉक्स साफ़ करते हैं, वो वाला ऊपर वाला यार वो वैसे ही बहुत गंदा हो गया साफ यार, वो वाला बॉक्स गंदा हो गया और फ्री भी हो चुका है, तो उसको साफ करते हैं। जो जो फ्री होता जाएगा अब हमने साफ करना शुरू कर देना इनका। तो यार ये भाई कह रहे थे कि ईंटें ना लगाओ गिर भी सकती हैं, तो यार ये भी ऐसा ऐसा हमने ख़त्म कर देनी है। यहाँ पर क्रेट्स लेकर आएंगे मोटे जो होते हैं, वो ला कर यहाँ पर लगाएंगे, ये सारे बॉक्स ख़त्म कर देने हैं। फिलहाल अभी इनको अंडे निकालने देते हैं, बच्चे निकालने देते हैं। तो यहाँ पर लग के ने नीचे बेबी जिंदा है इसका, देखा है तुमने? जिंदा है इसका बेबी, जिंदा है, बस ठीक है। तो यार दोस्तों हमारी फीमेल की टांग नहीं सही हुई, ये देखें यहाँ पर बैठी हुई। तो यार आज इसकी पट्टी करते हैं, आयोडेक्स लगा के फिर पट्टी करते हैं गर्म, ताकि इसकी टांग ठीक हो जाए। तो यहाँ पर देखें यार, ये देखें आपको ढेरी नज़र आ रही है ये मिट्टी की, ये सारी चूजों ने इकट्ठी की हुई है पंजे मार मार के। तो किसी दिन यार ये सारा केज हमने साफ कर देने। दोस्तों हम ब्लैक वाली मुर्गी का नेम रखने लगे हैं, जो आपने सेंड किया था, जितने भी आपने नेम सेंड किए हैं वो पर्चियों पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारी ब्लैक वाली मुर्गी, इसका हमने आज नेम रख देना है। 200 पर्चियां भी ले ली और पेंसिल भी ले लिया, तो अब हम नेम लिख के फिर पर्ची निकालते हैं, जो नेम निकला वो उस वाली ब्लैक वाली मुर्गी का हम रखेंगे। दोस्तों ये देखे पायलट ने फिर दाना गिराया, हमने उठा लिया हुआ, उठा के ऊपर रख दिया। तो ये देखे दाना ही दाना गिराते रहते हैं, बस दाना ही दाना है छत के ऊपर। ये पिजन को भी हमने दाना नहीं डाला, ये बाहर से ही खा रहे हैं। तो यार आतिफ भाई पर्ची डालनी है? डालनी है मैंने। तो कितनी है ये? 6 है ये। 6 पर्ची है। तो यार अब मैं पर्ची उठाता हूँ, आतिफ नहीं उठाएगा। आतिफ भाई मैं उठाऊँ पर्ची? ठीक है तुम यार, मैं उठाता हूँ पर्ची, क्योंकि कल जो पर्चियाँ डाली थी वो आतिफ ने उठाई थी, तो अब मैं उठाने लगा हूँ। यार इतनी ज़्यादा मिक्स कर रहे हो। चलो भाई यार कौन सी उठानी चाहिए सोच लो। 1 2 3 4 5 6 पर्चियाँ यार, इनमें 6 नेम लिखे हुए हैं। तो यार कुछ लोगों ने बाद में नेम सेंड करना है, अभी हम पर्चियाँ निकालने लगे, जितने आपने सेंड की उतने हमने लिख लिए हैं। तो यार ये देखो, अरे ये देखो, ये देखो आतिफ भाई ये मार रहा है, तो इसका कुछ करना पड़े, लैदा कर देंगे यार किसी के। यार ये देखो सभी को मार रहा है यार। दोस्तों मैं पर्ची उठाने लगा हूँ, अब देखते हैं क्या नेम निकल रहा है। तो आतिफ भाई यहाँ पर करो, मिक्स कर लिया हुआ है ना? मिक्स कर लिया मैंने अच्छी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सोच लो फिर दोबारा। तो यार यह कंफ्यूजन हो रही है, ये ना हो निकलना, तो जो है वही रखना है हमने। हाँ, वही रखना। तो यार ये देखो, ये लो फिर ये वाली खोलो, ये मैं खोल देता हूँ। तो आतिफ भाई यार पर्ची खोलने लगे हैं, तो देखते हैं क्या निकलता है। रेशम, अरे भाई यार रेशम निकला। तो यार रेशम है आज के बाद इसका नेम ब्लैक वाली का। अच्छा नेम है यार ये भी आतिफ भाई। हाँ बहुत प्यारा नेम, बहुत प्यारा नेम है। दोस्तों ये हमारे वाला जो पायलट है, और ये जो 3 चूजे हैं, और बल्कि 3 चूजे नहीं 3 इडियट्स हैं जो, और वो वाला जो मुर्गा है ना, ये तीनों नहीं 1 2 3 4 5 ये 5 भाई बहन आपस में। तो आज मैं जा रहा हूँ गांव में, गांव में जाकर मैं आपको इनका बाप भी दिखाता हूँ, इनका फादर, और उसके बाद इनके जितने भी बहन भाई हैं ना वो सभी आपको दिखाता हूँ। ये एक ही बाप की औलाद है, आपको दिखाता हूँ जाके। दोस्तों हमारे लक्के ने सिट्टा मुँह में लिया हुआ है, तो केज का दरवाज़ा खोलते हैं। तो आतिफ भाई इजार लेकर आ गए। ये देखो यार ये साफ़ करने लगे हम, यहाँ पर लकड़ी लगा दो दरवाज़ा ना बंद हो। तो यहाँ पर देखें ये ढेर लगा हुआ, ये इनका ही ढेर है ऊपर से गिरा हुआ। तो ये देखें कितना भर गया हुआ है। आतिफ भाई उतार लिया है, उतार लिया है, इसमें डालो। यार ये देखो कितना कचरा निकला हुआ है। कितना ज़्यादा है, इसमें डाल दो और फेंक दो भाई। सारा साफ हो गया, थोड़ा सा रहता है, कर लो साफ जल्दी से। दोस्तों ये देखें कितना ज़्यादा कचरा निकला है, यहाँ पर हमने साफ कर दिया हुआ है बॉक्स, इसको बाहर फेंक देते हैं। यहाँ पर ये देखें सारा बॉक्स साफ कर दिया हुआ है, अब बिल्कुल साफ हो गया है। तो यार ये देखिए इस वाली मादी को हम पट्टी करने लगे हैं। तो यार ये देखिए लक्के का बेबी माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों इसको मैंने पकड़ लिया हुआ है, तो आतिफ भाई को देते हैं इसकी, यार पट्टी करते हैं। तो आतिफ भाई यार डेस्क लेकर आना। तो यहाँ पर ये वाली पट्टी हम इसकी यार टांग पर बांध देते हैं। किसी के पास इलाज तो नहीं है इसका, ना किसी ने बताया है, मुझे लगता है मौच वगैरह आई है इसको। तो आतिफ भाई पकड़ लो इसको। दोस्तों हमने ये देखे इस तरह पट्टी को बांध दिया हुआ है, पूरी टांग पे बांध दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब उम्मीद है कि ये जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है ये बाम जो है ना, इसके साथ पट्टी होनी चाहिए थी, फिर ये इसने काम करना था, हमने अब पट्टी बांधी है इसके ऊपर लगा के। तो आतिफ भाई इसको छोड़ो।
इससे चला भी जाएगा कि नहीं? थोड़ा थोड़ा चला जाएगा यार, जैसे पहले चलती थी वैसे चल रही है, बस डर रही है कि पता नहीं क्या लग गया टांग को। तो यार ये देखे काफी बड़ा हो गया यार, इसको मैं उठा नहीं रहा क्योंकि ये पंजे यहाँ पे अटका लेता है, बाहर नहीं आता। तो ऐसे देख ले, ये देखे काफी बड़ा हो गया। हमारा ये वाला पेड़ भी एक देने वाला है, इन्होंने ये देखे अपना नेस्ट बना लिया हुआ है। यार हमने वो वाला एग जाया नहीं किए जो कॉर्नर पे थे, वो एक भाई कह रहा था कि आपने एग जाया कर दिए, हमने इनके एग जाया किए शराजियों में, क्योंकि हमने शराजी नहीं इतने ज्यादा करने यहाँ पे। तो यहाँ पर ये देखें इनके नीचे रख दिए इनके एग यहाँ से उठा के। दोस्तों हमने मैडम को जब अंडों पे बिठाया था तो यार हमने डेट तोड़ने की कब बिठाया था, अब हमें पता नहीं है ये मैडम कब की बैठी है, इसके बच्चे कब निकलेंगे। तो मैडम को यार मैं देखता हूँ क्या कर रही है, अब जिस दिन बेबी निकलेगा तब पता चलेगा कि हमारी 21 डेज पूरे हो चुके हैं। तो यार इसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं, अंदर थोड़ी सी ठंडक है, ये शॉपर की वजह से हीट हो जाएगी जब इधर धूप पड़ेगी शॉपर के ऊपर। आतिफ भाई इसको क्या करना है, इसको उधर पड़ा रहने दो। यार जिशान भाई मैंने ना पेड़ लगाने हैं, ये फीमेल है और मेल है अंदर बैठा हुआ है। किसका, इसका लगाना पेड़? किसके साथ लगाना है? ये मेल बैठा हुआ है ऊपर जो फ्री हुआ है। ये फ्री हुआ है? हाँ यार इनका पेड़ लगाना है यार, ये बहुत अच्छा पिजन है, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। यहाँ पर भी वो हमसे मांग रहे थे हमें दे दे कि ये वाला वो नीचे बैठा हुआ है। और यार वो बेबी बड़े हो गए हैं, खुद ही चोगा लेना शुरू हो गए हैं ये सामने जो बैठे हुए हैं, तो इनका पेड़ लगाते हैं इसलिए हमने इनका नेस्ट साफ किया है। जो इसके साथ मादी लगानी है हमने वो इसके साथ लगी हुई थी। तो यार ये बीमार है, ये बच्चे नहीं सही से पालता और ना ही हमें इतना अच्छा लगता है, इसका पेड़ तोड़ के ना हमने उसके साथ लगा दी है मादी। तो आतिफ भाई इसके इसमें बंद करना है? इसमें बंद करना है ईशान भाई। तो यार इसमें हम बंद कर देते हैं, पहले क्रेट लेकर आना था हमने, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, ये पिंजरा पड़ा हुआ है इसमें बंद कर देते हैं। तो यार इस वाली मादी को मैं अंदर भेजता हूँ, आतिफ भाई पकड़ के इसका पेड़ लगाएं। अरे जग्गू तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो यार आतिफ भाई ने दोनों पकड़ लिए हुए हैं, ये एक बार दिखाना मादी, ये वाली है एक बार दिखाओ। यार मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी मादी है। दोस्तों ये देखिए ये वाली मादी है, काफ़ी अच्छी मादी है, ये हम लेकर आए थे एक ही फीमेल लेकर आए थे, लेकिन हमने किसके साथ लगाना नहीं था इसको, उसकी अब मादी उड़ गई हुई है तो इसके साथ ये वाली लगा देते हैं। उसके साथ यार इतने अच्छे बच्चे भी नहीं निकलने और इतने नस्ली भी नहीं निकलने, तो यार इनका भी कुछ करते हैं। यार इनका आती भाई यार इनका केज लैला करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मारते हैं, अभी हमारे होते हुए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पिजन्स को मारा है। तो यहाँ पर इनको बंद कर दो। तो यार इनका पेड़ अब लगाएंगे। अरे भाई भाई को भाग रही है यार, हमने केज के अंदर तो बंद कर दिया है, तो वो वाला यार आती भाई भाई से मारे ना, नहीं मारता वो गुस्सा करेगा, गुस्सा कर रहा है वैसे देख, वैसे गुस्सा कर रहा है यार वो वाला। तो यहाँ पर इनको बंद कर दिया, दोनों रास्ता ढूंढ रहे हैं बाहर का। यार कल इसके पीछे भाग रहा था, अब इसको मार रहा है, कल इसके पीछे पीछे था, मार रहा है कि नहीं? नहीं प्यार करेगा, प्यार करेगा अभी, मार के फिर प्यार करेगा, मार के प्यार करेगा। आती भाई वो बेबी तुमने बिठाए ऊपर? नहीं खुद बैठ गए ऊपर। यार उड़ना शुरू हो गए हैं ये तो, यार ये देखे ऊपर बैठ गए जाके, खुद नीचे आते हैं, खुद ही ऊपर, खुद ही खा रहे हैं। तो यार माशाल्लाह बड़े हो गए हैं ये भाई, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, इसकी फीमेल को हमने कैद किया। तो ये देखे हमारे जग्गू के साथ मस्तियां कर रहे हैं यार, हमारा शाका और जग्गू फ्लाई कर रहे हैं, शाके का पता कोई नहीं है, ये पहली बार उड़ा है इतना ज्यादा, तो जग्गू तो वापस आ जाएगा। यार मैं जल्दी से पिजन भाई निकालता हूँ, इन्होंने वापस नहीं आना बाद में। यार इतने पिजन मैंने भाई निकाल दिए हैं। तो आतिफ भाई कहाँ पर गए? ऊपर हैं। अरे यार बहुत दूर चले गए यार, ये अब नहीं आने, मुश्किल है ये आएंगे। यार ये देखो, अरे भाई बहुत ऊंचा चला गया यार शाका मारा, ये देखे इतना ऊंचा चला गया, वापस मुश्किल है। ये देखो ऊपर जग्गू भी घूम रहा है, आती पिजन को बार बार उड़ा रहा है ताकि इनको देख के वापस आए। तो यार बैठ जाओ, हवा बहुत तेज है यार, उनको खींच के उधर ले जाती है। तो यार हमारा शाका वहाँ पर जाके बैठ गया, ये सामने बिल्कुल बैठ गया हुआ है, आ जाएगा अब। तो ये वाला ये देखे जग्गू हमारा वापस आ चुका है, तो ये जैसे ही उतरेगा वो भी इसको देख के आ जाएगा। आ गया आती भाई, आ गया, रहने दो, आ गया है यार शाका हमारा, आ गया फाइनली। तो यार आती भाई इनको अंदर करो। 200 पानी अंदर रख देता हूँ क्योंकि इनको छेड़ मार मार कर यार इनको प्यास लग गई है, ये देख लगा कैसे सांस चढ़ा हुआ इसको। तो यार 200 मैडम देखे हमारी उठ गई हुई है, तो यहाँ पर कोई बेबी नहीं है, अंडे के अंडे ही हैं। 200 मैडम को पानी रख दिया और दाना भी दे दिया, आज 2-3 दिन बाद आई है बाहर, इस टाइम नहीं तो आती नहीं थी, शाम को आती थी कहीं हम चले जाते थे नीचे 5 बजे के बाद। तो यार दोस्तों हम गांव आ गए हवेली में, ये देखे ये हवेली और यहाँ पर फक भाई हैं और आतिफ भाई हैं। तो यार ये देखें माशाल्लाह, ये पायलट और जो 3 इडियट्स हैं और उनके साथ एक और जो हम नया लेकर आए, ये सभी इनके बहन भाई हैं। और आतिफ भाई वो पकड़ो, इनका फादर पकड़ो यहाँ से। यार इनकी मदर जो थी वो मर चुकी है, तो ये इनका फादर है, आतिफ भाई पकड़ रहे हैं। तो यार ये देखें माशाल्लाह, ये देखें यार ये इनका फादर है, ये इनका फादर है यार, इसका गुस्सा चेक करें यार, ये अमरोहा प्लस बघेड़ी की नस्ल है। तो यार ये देखें कितना माशाल्लाह चौड़ा है मुर्गा,
या कमेंट में ज़रूर बताएं ये कैसा लगा आपको। तो यार 200 मुर्गे हमने बंद करके जाने हैं, दो ये बहुत लड़ाई करते हैं। तो आती भाई कौन सा ये पकड़ा है? हाँ एक ये वाला। तो यहाँ पे इनका फादर हमने बंद कर दिया भाई, ये देखें। तो यार 200 यहाँ पे ये देखें बकरियाँ भी है और इनका ये देखें छोटा सा बच्चा है, काफ़ी प्यारा है यार। तो यार आती भाई ये क्या किया इन्होंने? यार डोग को बांधा है यार, देखो छोटा सा डोगी है और कितना बड़ा संगल इसको लगाया हुआ है। तो यार ये भाई कह रहा है कि ये काटता है, ये देखें यार छोटा सा है अभी। तो यार हवेली काफी बड़ी है, यहाँ पे ये देखें जाल लगा हुआ है कबूतरों के लिए, ये ऊपर रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।